हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, वेलकम टू बायो स्टीच। माय नेम इज सुभाष एंड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हर एग्जाम में हर साल किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार रूप बदल बदल कर आता है। इस क्वेश्चन की रेटिंग इतनी हाई है कि समझो ये जो क्वेश्चन है ना वो 5-स्टार रेटिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, हाउ डज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है या फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। ठीक है, हिंदी में हो या इंग्लिश, किसी भी स्ट्रीम से आप स्टडी कर रहे हो, हिंदी से या इंग्लिश से, तो दोनों ही लैंग्वेज में समझ में आएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं आज। जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बाईसेक्सुअल, ठीक है, या इसको एक नाम और दिया जाता है बाईसेक्सुअल को, इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। और दूसरी तरह का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल को क्या कहते हैं हिंदी में, द्विलिंगी प्राणी, और यूनिसेक्सुअल को एक लिंगी। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है, बाइसेक्सुअल में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जो भी मेल सेक्स ऑर्गन, जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, एक ही प्राणी में होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें मेल अलग होता है और फीमेल ये अलग होती है। ठीक है, अब जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है उसको मेल कहते हैं, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो अलग होता है, अलग ऑर्गेनिज्म होता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो अलग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको मेल, और जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको फीमेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये जो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब मेल में मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो सेक्स ऑर्गन की प्रेजेंस के हिसाब से ये दोनों अलग अलग हैं। और इनकी जो शारीरिक संरचना होती है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है मेल और फीमेल का, ये भी अलग अलग होता है। ठीक है, इनमें भी डिफरेंस होता है। तो ये जो सेक्सुअल डिफरेंस होता है, क्या होता है, सेक्सुअल डिफरेंस जो होता है दोनों में, इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, सेक्सुअल डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, लैंगिक भिन्नता। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को हिंदी में कहते हैं लिंग भेद। ठीक है, तो समझ में आया आपको, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, जो सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं मेल एंड फीमेल में, उसी को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, मतलब लिंग भेद कहते हैं। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक थ्योरी दी गई, ठीक है, उस थ्योरी को कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक थ्योरी दी गई जिसको कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब
लिंग निर्धारण का क्रोमोसोम सिद्धांत, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे हम। ये एक थ्योरी दी गई किससे रिलेटेड, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो इस थ्योरी को किसने दिया, इस थ्योरी को देने वाले हैं एक साइंटिस्ट जिनका नाम है मैक क्लंग, ठीक है, मैक क्लंग, MCCLUNG, मैक क्लंग इनको कहते हैं हिंदी में, ऐसे कह लो मैक लंग, ठीक है, मैक लंग। इन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी कब दी गई, ये थ्योरी दी गई 1902 में इस थ्योरी को दिया गया, ठीक है, किस थ्योरी को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब लिंग निर्धारण का क्रोमोसोमल सिद्धांत जो है वो मैक लंग ने 1902 में दिया। तो मैक लंग ने क्या कहा इस थ्योरी में, मैक लंग ने इस थ्योरी में ये कहा कि ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, लिंग निर्धारण, वो क्रोमोसोम पे डिपेंड होता है, मेल और फीमेल, मतलब ह्यूमन में जो भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन्हीं से सेक्स डिसाइड होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस थ्योरी को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, मतलब लिंग निर्धारण का क्रोमोसोम सिद्धांत, इस थ्योरी को देख लेते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूमंस में दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, इनको सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, सोमैटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं एलोसोम्स, इनको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है, दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स या सोमैटिक क्रोमोसोम, दूसरा एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो ऑटोसोम या सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं कितने, 22 पेयर, ठीक है, और जो एलोसोम होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होता है 1 पेयर, ठीक है, पेयर का मतलब आप समझ रहे हो ना, 2 × 22, ठीक है, तो इतने क्रोमोसोम होते हैं, और 1 पेयर का मतलब 2 × 1, मतलब 2, ठीक है। तो जो ऑटोसोम होते हैं वो 44 होते हैं, और एलोसोम कितने होते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, ओनली 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हम यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर बात करेंगे केवल सेक्स क्रोमोसोम्स की, मतलब एलोसोम्स की। सोमैटिक क्रोमोसोम, ऑटोसोम जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, ठीक है, सेक्स सेल्स को छोड़कर बाकी की जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है वो ऑटोसोम, मतलब सोमैटिक क्रोमोसोम से बनता है, ठीक है, इतना जान लो बस। तो ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई, दो तरह के होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, फीमेल में, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स तरह के होते हैं, और मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्स एंड वाई तरह के होते हैं, ठीक है, या इसको एक साथ लिख लो एक्स वाई, ठीक। तो फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई तरह के,
सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब हमारी जो सेल्स में क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इनको 2x करके लिखते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड को 2x करके ही लिखा जाता है। ठीक, अब सभी ऑर्गेनिज्म में जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो फिक्स नंबर में होते हैं, निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कितने होंगे, 46 होते हैं। ठीक है, उसी तरह मान लो डॉग की स्पीसीज ले लो, तो डॉग्स में क्या होता है, क्रोमोसोम वो उसमें भी फिक्स नंबर में पाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि इस डॉग में अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उस डॉग में अलग क्रोमोसोम पाए जाते हैं। स्पीसीज बाय जो भी क्रोमोसोम की संख्या होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, तो डॉग्स में निश्चित संख्या में क्रोमोसोम होंगे, उसी तरह कैट में भी अलग क्रोमोसोम की नंबर होगी, पैरट में अलग होगी, एलिफेंट में क्रोमोसोम की नंबर अलग होगी। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम की नंबर होती है वो स्पीसीज वाइज फिक्स होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम 2x मतलब डिप्लॉयड रूप में लिखे जाते हैं, और कितने होते हैं क्रोमोसोम, 44 ये हो गए और दो ये हो गए, 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो एक्स और वाई दो तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं उससे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो एक्स वाई थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ये हम देखेंगे अब। ठीक है, मतलब लिंग निर्धारण का एक्स वाई सिद्धांत ये देखेंगे। तो लिख लेते हैं यहां पर दी एक्स वाई थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो एक्स वाई थ्योरी क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन की, अब देखिए क्या फीमेल में जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 2a+XX। ठीक है, 2a, ए मतलब सोमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो 2a+XX, और मेल में जो होते हैं, मेल में किस तरह के क्रोमोसोम होते हैं, 2a+XY होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम इस तरह से होते हैं मेल और फीमेल में। समझ में आया आपको? अब क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही तरह के होते हैं, मतलब एक्स एक्स तरह के ही होते हैं। ठीक है, एक ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इसको कहते हैं होमोगैमेटिक सेक्स। ठीक है, एक ही तरह के सेक्स क्रोमोसोम है, इसलिए फीमेल को क्या कहेंगे, होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। और मेल में क्या होता है, मेल में दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, असमान होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेटरोगैमेटिक सेक्स। ठीक है, होमोगैमेटिक को क्या कहते हैं हिंदी में, समयुग्मकी लिंग। ठीक है, और इसको कहेंगे विषम युग्मकी लिंग। तो इतना समझ में आ गया आपके। अब हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो थोड़ा साफ करना पड़ेगा इसको। देखिए फीमेल, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं मेल। ठीक है, फीमेल में किस तरह के क्रोमोसोम होंगे, 2a+XX। ठीक है, और मेल में किस तरह के होंगे, 2a+XY इसी तरह के होंगे। अब क्या होगा, यहां पर गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, गैमीट्स, तो गैमीट्स जब बनते हैं तो क्रोमोसोम की नंबर गैमीट्स के अंदर आधी मात्रा में जाती है। ठीक है, आधे आधे क्रोमोसोम जाते हैं, मतलब गैमीट्स के अंदर हैप्लॉयड नंबर में क्रोमोसोम जाएंगे,
तो देखिए यहां पर गैमेट्स जब बनेंगे तो 2a मतलब a आएगा 2a का आधा a, और x यहां से एक x आएगा, ठीक है। तो ये गैमेट बन गया a प्लस x। दूसरा गैमेट कैसा बनेगा, यहां से भी आधा आएगा तो a प्लस एक x आया तो a प्लस x। इस तरह के गैमेट बन गए, मतलब इसमें जो गैमेट बन रहे हैं वो एक तरह के बन रहे हैं, एक जैसे एक समान बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक। क्या बोलेंगे, होमोगैमेटिक। अब यहां पर देखो गैमेट किस तरह से बनेंगे, मेल के अंदर, तो मेल में जो गैमेट बनेंगे 2a का आधा a, ठीक है, और x y में से कोई सा एक आएगा, या तो x आएगा या y आएगा, तो a प्लस मान लो x आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, a प्लस y आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, a प्लस x ये है ओवा, ठीक है, ओवा। एक होगा तो ओवम कहेंगे, और बहुत सारे जब बनते हैं तो क्या कहलाते हैं, ओवा कहलाते हैं, ठीक है। तो ये है ओवा, और ये क्या है, ये है स्पर्म्स, ठीक है। तो आधे स्पर्म्स मतलब 50% जो स्पर्म बनेंगे वो ए प्लस एक्स होंगे, और 50% जो स्पर्म बनेंगे वो ए प्लस वाई होंगे मेल के अंदर, ठीक है। आधे गैमेट ए प्लस एक्स वाले और आधे गैमेट ए प्लस वाई वाले, ठीक है। इस तरह से गैमेट बनते हैं। तो फीमेल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ही तरह के सारे गैमेट बन रहे हैं, मगर मेल में आधे आधे गैमेट अलग अलग टाइप के हैं। तो इनकी जो इनहेरिटेंस होगी, वंशागति होगी, वो मेंडल के लॉज के हिसाब से होती है, ठीक है, मेंडल के नियम के हिसाब से इनकी इनहेरिटेंस होती है। तो बना लेते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये फीमेल है तो फीमेल का इधर लिख लेंगे ए प्लस एक्स, दोनों ही ए प्लस एक्स हैं, और इसका क्या है, एक है ए प्लस एक्स और दूसरा है ए प्लस वाई। अब देखते हैं क्या होता है, ए और ए मिला तो क्या हुआ, यहां पर टू ए हो गया, और एक्स प्लस एक्स मिला तो एक्स एक्स हो गया, मतलब टू ए प्लस एक्स एक्स, तो टू ए प्लस एक्स एक्स किस में होता है, फीमेल में होता है। तो ये जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, वो डॉटर होगी, ठीक है, समझ में आया, डॉटर। और यहां पर यहां क्या होगा, ए और ए दोनों मिले तो क्या हो जाएगा, टू ए, और प्लस एक्स और एक्स तो एक्स एक्स, तो ये भी क्या होगी, ये भी डॉटर होगी, ठीक है। यहां क्या होगा, ए और ए ये मिलेंगे तो 2a, और x और y तो प्लस एक्स वाई हो गया। अब ये क्या होगा, ये होगा सन। उसी तरह यहां पर a और a 2a, और y और x क्या हो गए, एक्स वाई। ये क्या होगा, 2a प्लस एक्स वाई किसका होता है, मेल का होता है ना, तो ये सन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंग निर्धारण होता है। अब इसमें आधे क्या है, फीमेल चाइल्ड है मतलब डॉटर है, आधे क्या है, मेल चाइल्ड है मतलब सन है, ठीक है। तो रेशियो क्या आया, 2:2 का मतलब 1:1 का हो, इसको सिंप्लीफाई करके 1:1 का मतलब क्या होता है, 50% और 50% मतलब 50-50% चांस होते हैं लड़का या लड़की होने के, ठीक है। ये तो कोइंसिडेंट है कि मेल का कौन सा वाला गैमेट मतलब कौन सा स्पर्म, ए प्लस एक्स वाला स्पर्म ओवा से मिलता है या फिर ए प्लस वाई वाला स्पर्म ओवा से मिलता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कोइंसिडेंट है,
जिस प्रकार का स्पर्म ओवा से मिलेगा उसी प्रकार का रिजल्ट आएगा। ए प्लस वाई वाला मिलेगा इससे तो सन होगा, और ए प्लस एक्स वाला मिलेगा इससे तो डॉटर होगी। ठीक है, तो इस तरह से लिंग निर्धारण होता है। फीमेल के सभी गैमिट्स जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग किसके होते हैं, असमान गैमिट मेल के होते हैं। तो मेल पे ही डिपेंड करता है डॉटर या सन पैदा करना, ठीक है, फीमेल पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो हमारे समाज में ये गलत अफवाह फैलाई गई है, पुराने लोगों ने ये गलत अफवाह फैला रखी है, पूरा ब्लेम दे देते हैं लड़की पैदा होने पर महिला को, मतलब फीमेल को, कि वही जिम्मेदार है लड़की पैदा करने के लिए। मगर ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा मेल जिम्मेदार होता है लड़का या लड़की पैदा करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरह से होता है मनुष्य में लिंग निर्धारण, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये पूरी प्रोसीजर है। होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।